सुमिता अरोरा की किताबें उठाई कि इनकी नहीं समझ में आ रही इलेवन ट्वेल्थ वाले बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो तो आ जाएगा समझ में पापा ने कहा दो दो हाथ करते हैं आगे देखा जाएगा जो होगा क्लियरली एक चीज समझ में आ गई है देर इज नो वन आइडियल टू योर ड्रीम का बगल में उस लड़की का देखा नाइन पॉइंट नाइन सी जी पी ए कैन यू इमेजिन बट आप नेक्स्ट राउंड के बाद देख रहे हो वो वहां नहीं है आप होवरी वन hey आज हमारे साथ है प्रिया और इनकी बहुत अमेजिंग जर्नी है ये अभी यह में काम कर रहे हैं लेकिन इनका पूरा का पूरा सफर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की थी क्या कह की थी

ज्वाइन करने के पीछे भी देर वॉज ए स्टोरी कभी आइडियली इंजीनियरिंग में जाना नहीं था बट एक बार ज्वाइन कर दिया स्टार्ट किया करना के बाद आ, अपनी इंटर्नशिप से स्टार्ट कर दी कुछ आइडियली एक फील्ड में नहीं जाना था डे डेवन से कि से डेटा साइंस में जाना है या फिर आपको लेट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है फुल स्टेक डेवलपर कभी भी नहीं सोचा था मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना था तो मेरी जो प्रायर इंटर्नशिप्स थी सारी वो इसी में थी मुझे डेटा एनालिसिस भी ट्राई करना था बिग डेटा भी ट्राई करना था वो भी किया डेटा एनालिस्ट करना था वो भी किया जा करके बिजनेस एनालिस्ट ये प्रोफाइल देखी अच्छी लगी कि हाँ इसमें थोड़ा बिजनेस का टच आ गया वो भी ट्राई किया फिर कोर इंजीनियरिंग पे आगे में आप जब कॉलेज में होते हो देर इज ऑलवेज जो हम लोगों के लिए बहुत फॉर्चुनेट था अभी कोविड में आके लोग जब घर पे हो गए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया उन्हें पता नहीं है कोई पियर ग्रुप नहीं है बात करने के लिए सब अपने साइलोज में अपने लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं hmm. हमारे साथ ऐसा नहीं था जो भी नया सुनकर आता था, था hmm. कि भाई आई चल रहा है चल चल रहा है, Data Science चल रहा है है तो वो उसी में स्टार्ट कर देते थे, थे अब आप या या uh, you know, इंजीनियरिंग के अपने फर्स्ट ईयर तक समझ चुकी थी कि कहीं देखा पढ़ा भर के मत जाओ एक्सपीरियंस इट फर्स्ट एंड सिर्फ इट वर्क वहां ही स्टार्ट किया सबसे पहले ऑब्वियसली अच्छी बड़ी कंपनी हाई नहीं करती without any prior experience. Projects भी उस तक नहीं थे तो मैंने के सर्च करना स्टार्ट किया एक होती थी, वहाँ कोई काम दे दिया या कोई डेजिग्नेटेड मैनेजर है जो दे रहा है वो फाउंडर अपना विजन आपको डेली बता रहे है. तो आप वो बात करके उस विजन को किसी तरह कंप्लिश करना चाहते हो वहां से स्टार्ट किया बहुत छोटी स्टेंट थी उस इंटर्नशिप की बट काफी सीखने के मिला उसके बाद डेटा एंट्री का भी काम किया डेटा देखना चाहती थी होता क्या है कितनी वैरायटीज का डेटा होता है बिकॉज़ आपको नहीं पता आप जो बुक्स में पढ़ते हैं जो रियल लाइफ में होता है काफी डिफरेंस था इसके बाद चालू करने के बाद देखा कि बिजनेस एनालिस्ट बिकॉज मैं ये वो रोल्स हैं कई सारे इसके अलावा भी थे बट उनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस मेरे ऊपर नहीं पड़ा कोई ऐसी लर्निंग नहीं थी बट जब एच में जाके उनकी प्रॉब्लम देखी तब समझ आया कि हाँ डेटा एनालिसिस प्लस बिजनेस इज इज बिजनेस एनालिसिस ऑल अबाउट करते yeah. आप डेटा के साथ ही खेल रहे हो वही सीक्वल की क्वेरीज लिखते थे हम लोग वही एक्सेल में बैठ करके फिर टेबल्स बनाते थे बट जो प्रॉब्लम थी वो बहुत रियलिस्टिक थी तो वहां आपको एक्चुअल रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन समझ में आने लगा सीक्वल जो आप पढ़ते हो क्वेरीज hmm. जो आप लिखते हो उनका होता क्या रियल लाइफ में जाकर के जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन

क्या किस फॉर्म में करना है नहीं मालूम होगा यही सेम लेट्स से अगर मैं एच का एग्जाम्पल लेती हूँ मुझे पता था बिजनेस एनालिस्ट रोल है बट डे वन तक क्या करना है ये क्लियर नहीं था प्रॉब्लम क्लियर हुई पता चला कि डेटा के अराउंड खेलना है और डेटा से कुछ इनसाइट्स साइड ड्रॉ करनी है वो कैसे करेंगे सीक्वल तो अच्छे से आनी चाहिए mm -hmm. सीक्वल उससे पहले भी आती थी बट इतने अच्छे से आपको हमेशा ये आता था कि आपको कोई प्रॉब्लम दिया प्रॉब्लम देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे ज्वाइन लगाने लगा दोगे बट जब आपको प्रॉब्लम ही खुद ढूंढना है कि ऐसा हो क्यों रहा है वहां आपको पूरा सीक्वल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टार्ट डब्ल्यू स्कूल से

थोड़ी सी लिमिटेशन है उस समय फिर एक ट्रेंड भी होता है कॉलेज में एक थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के बाद डिवाइड हो जाता है आपका बैच कुछ 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 कैट की की कोचिंग के के लिए कुछ चले जाते हैं, कुछ के लिए चले चले जाते जाते हैं 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 बच्चे होते हैं जो प्लेसमेंट्स तैयारी करते हैं। तो आई स्टार्ट की आई शुड गो फॉर एन एमबीए अपना सारी टेक्नोलॉजी सीख ली है पता है इंजीनियरिंग में क्या होता है पर अगेन मेरे सामने वही आया इस फील्ड में मुझे पता ही नहीं है क्या होता है तो मैं बिना पता कैसे रिजेक्ट कर दूं कि मुझे एमबीए नहीं करनी चाहिए एक्सपीरियंस तो करेंगे अब वो एक्सपीरियंस के लिए एडमिशन ले लिया करें

कैसा सीख रहे हैं तो मॉगन स्टैंडली पहली कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आई जो बीटेक प्लेसमेंट्स के लिए आई थी अब मैं स्टूडेंट sure. एलिजिबल थी, थी बैठ सकती थी देखा उनका फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड का राउंड बहुत खुशी हुई कि जाकर के देखते हैं असल में आया कितने hmm. बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा रोल के बारे में नहीं पढ़ा बस चले गए एप्टीट्यूड का राउंड देने एप्टीट्यूड राउंड हुआ था अक्रॉस आई थिंक हमारे जितने भी कैंपसेज हैं शॉर्टलिस्ट बहुत जल्दी आ गई थी और शॉर्टलिस्ट में निकले थे कुछ मुश्किल से पंद्रह नाम और वो दस से पंद्रह नाम में आउट ऑफ टू कैंपसेज आई थिंक जो सिक्सटी टू एंड वन है तो बहुत ज्यादा उसको देख करके लगा यार ठीक है गुड एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो गया एंड आई थिंक मुझे याद है मैं अपने रूम में वापस आई मेरी रूममेट थी और मैंने आई वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू मूव फॉरवर्ड इन दी प्रोसेस मैंने ईमेल भी चेक नहीं किया उसके बाद मैं तो बस देखकर आ गई थी कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है जब मेरी रूममेट भागती हुई आती है वो मुझे दिखाती है I realize, मैं उसको रियलाइज करके भी जो फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में है वो यही है कि चलो यार एप्टीट्यूड अच्छा चल रहा है कुछ अच्छा हो जाएगा कैट निकाल लेंगे थोड़ी देर बाद वो कहती है तू रेडी हो रही है ना मैंने बोला क्यों रेडी क्यों होना है वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करानी है ना फॉर्मल जाकर के फिर देना है आगे राउंड होंगे सेकेंड राउंड थर्ड राउंड आपको तैयारी करनी है सारा वो फाइल अपना जो फोल्डर प्लेसमेंट का रेडी करते हैं

हो एक राउंड दो राउंड तीन राउंड एंड यहाँ लाइफ की सबसे बड़ी एक जो सीख सीखी थी वो ये थी कि आपके सारे काम बनाता या बिगाड़ता है डर जिन लोगों को वो कंपनी एम करके बैठे थे कि ये हमारी ड्रीम कंपनी है उन लोगों को शायद डर बेस्ट परफॉर्म नहीं करने दे रहा था hmm. मुझे कोई डर ही नहीं था मुझे कोई भी yeah. टेंशन yeah. नहीं yeah. थी होना है होगा नहीं तो मुझे, तो, मुझे yeah. बट हां इतनी खुश थी मैं इंटरव्यूर के साथ इट वो सच अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन वो मुझसे ब्लड से कोई प्रॉब्लम पूछना है उनको एक्स्ट्रा ही डायग्राम खुशी से बना के आ रही हूँ बिकॉज ऑफ विच जॉइन करने के बाद भी जिन इंप्रू Boys ने मेरा इंटरव्यू लिया था उनसे बहुत अच्छे कनेक्शन थे मॉगन सैनली ऑफिस में जाने के बाद तुरंत पहचानते थे हाँ तुम जेपी से ऐसे देन आई मेड इट थ्रू एंड खुश आपकी पहली कंपनी आई प्लेसमेंट हो गया सो so, हाँ दैट वॉज माई स्टोरी आई वॉज ट्राइंग फॉर समथिंग एल्स बट दैट्स वेन यू रियलाइज की ओवरकम कर दो

कॉइन चेंज का प्रॉब्लम भूलता नहीं है बिकॉज वो मुझे बड़ा मुश्किल से समझ में आ रहा था टीचर ने सुबह पढ़ा करके छोड़ दिया था लॉर्ड के रविंद्र बाबू रोवेला के आई डोंट नो कितने वीडियोस देखे घूम फिर करके वो बार 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 एक ही प्रॉब्लम पे क्या हो क्या रहा है कोई कोई कॉन्सेप्ट अटक जाता था, था। right. तो दैट इज हाउ आई यूज स्टडी ओ पता चला ऐसा नहीं, के, के नहीं है तो टच ही नहीं कर रहे ah. अगर इंटरेस्टिंग हमेशा आदत में मैं बताने लग जाती पढ़ लो ये ऐसे हो जाएगा वहां से पढ़ लो कुछ कई बार प्रोफेसर नाम सजेस्ट कर देते थे प्रिया से पूछ लो जाकर वो बता देगी बस बच्चे गए उन्हें बताना चालू कर दिया प्लस अपने जब हैंड रेटिंग नोट्स होते हैं आपके पास तो मेरे साथ बहुत ऐसा था आई वॉज वेरी पैशनेट फॉर तो हर बार उठा उठा के कुछ एक महीने में देख लिया कुछ एक मिसिंग लगा आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है ये मैंने देखा जो मैं सेकंड ईयर में ओएस का वही कॉन्सेप्ट समझी थी वर्सेस फोर्थ ईयर में आते-आते जमीन आसमान का डिफरेंस था तब सिर्फ वो नंबर देखते थे और रटा था एक तरीके से फोर्थ ईयर में आपको इंप्लीमेंटेशन पता था आप अपने लिखे वर्ड्स को काट कर दोबारा से सही कर रहे थे एक 10 लाइन की डेफिनेशन को आप एक एक हार्डली एक फ्रेज में कर रहे थे इसका मतलब ये होता है जो एक्चुअल mm -hmm. में इंटरव्यूज में ढूंढते हैं उन्हें नहीं चाहिए आप एक फैब्रिकेटेड पूरी डेफिनेशन पढ़ के जाओ उनके सामने अटर कर दो oh. उन्हें चाहिए मतलब समझा दो हमें क्या होता है एज सिंपल एज दैट मोर देन मतलब उन्हें चाहिए इंप्लीमेंटेशन बता दो इसका वो तो प्रॉब्लम बताएंगे यही हुआ मॉगन स्टैनली एंड अडोबी दोनों में प्रॉब्लम आई मुझे और ओ के साथ ही हुआ मुझे इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट पता था कि मैंने उन्हें खुद आइडेंटिफाई करके बताया इसमें इसकी वो कुछ और जानना चाह रहे थे मैंने कहा इसमें इसका ये चीज अगर हम लगाएंगे तो वो बेटर हो जाता है जैसे हम यूजुअली डी एस में करते हैं सो दैट्स हाउ मैं कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहती थी प्लस आपको कॉलेज में अगर अच्छे ग्रेड्स लाने हैं उसके लिए भी इट्स वेरी हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता था कि पुराने पेपर्स उठ करके रिपीट हो गया लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या सीनियर्स बता देंगे वो चीज इतनी हमारे यहाँ फॉलो नहीं होती थी हमारे यहाँ फॉलो हुआ था आई रुड़की का पैटर्न वो लोग फॉलो करने की

ऑनेस्टली पहली तो बार तो उड़ गए थे देखे हो देखे क्या रहा है मतलब आपको इंग्लिश अपनी इंग्लिश पे डाउट हो गया था मुझे हाँ। समझ में नहीं आता था, था उसमें क्या लिखा हुआ है देखे देखे तो बहुत ज्यादा एक तरीके से हो गया कि कुछ भी नहीं आ रहा है भाई बिल्कुल ये तो आएगा ही नहीं समझ में तब मुझे याद है एलआरसी में हमारे यहाँ लर्निंग रिसोर्स सेंटर लाइब्रेरी होती थी वहां जाके बैठना चालू किया बाला गुरु स्वामी की किताबें उठाई जो बिल्कुल स्टार्टिंग की आपकी बुक्स होती हैं आप सी सी प्लस की वो लेकर के सुमिता अरोरा की किताबें उठाई कि इनकी नहीं समझ में आ रही इलेवन ट्वेल्थ वाले बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो तो आ जाएगा समझ में वहां से

दस डिफरेंट पार्ट हैं आपको अपनी यूएसपी पता करनी है कई लोगों के लिए कंपेटेटिव प्रोग्रामिंग में उतना एफर्ट नहीं जाता जितना से मुझे लगाना पड़ेगा right. उन लोगों के लिए इट्स वेरी एफर्टलेस वर्सेस मुझे डेवलपमेंट पसंद है मैंने अपना से पेटेंट फाइल किया था कई लोग ओपन सोर्स बहुत अच्छा करते हैं hmm. कई लोग हैकेथॉन्स में बहुत पार्टिसिपेट किए होते हैं उनका दिख जाते है कि भाई हाँ प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं ये बहुत अच्छे आप हर जगह प्रूव एज ए इंजीनियर यही कर रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग कैपेसिटी कितनी है आप वो किसी भी वे में कर सकते हो आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करके पेटेंट डाल दो आप हैकेथॉन्स में वनडे में उन्हें सॉल्व करके दिखा दो आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करके दिखा दो आपको वो नहीं करना है बहुत सारे लोग मैंने देखा पढ़ा करके ये चीज दिखा देते हैं उनकी डीएसए कितनी स्ट्रॉन्ग है वो ये चीज पढ़ा कर शो कर देते हैं दैट्स हाउ यू शो इट टू पीपल कल को आपको किसी को जाके दिखाना है आप, आप फोन को भी अगर स्वाइप करके दिखा रहे हैं कि हाँ दिस इज वॉट आई नो दिस रियली मैटर्स अ लॉट आप जाकर ब्लॉग्स लिख सकते हो कुछ भी है कंपलसरी तो सर्टेनली नहीं है और आपने बताया कि काफी सारे वेज है आपके आप को अपना यू एस फाइंड करना है जैसे आपने वर्ड यूज़ किया यू एस पी फाइंड करना यूनिक सेलिंग पॉइंट ठीक है अपने बारे में जानना है कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ और अगर आप उस चीज़ को आगे ले लेके जाओगे तो आप अल्टीमेटली वहाँ पहुँच जाओगे जब जाना, जाना चाहते हो ठीक है तो आ, अब आप बताइए अडोबी में किस तरीके से आप गए थे उसका प्रोसेस क्या था आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर फॉर टूडेज वीडियो क्रायो रेज्यूमर शॉर्टलिस्टिंग के दौरान प्रोजेक्ट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है और क्रायो के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स की हेल्प से आप लोगों की स्किल्स तो एनहांस होंगी ही लेकिन साथ ही साथ में आप लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहोगे क्रायो के पास वर्ल्ड क्लास मेंटर्स और इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स सिखाते हैं जैसे कि रिएक्ट नोड डॉकर गिट एटसेट्रा और ये सब आप सीख रहे होते हो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाते हुए जैसे कि नेटफ्लिक्स जोमेटो अमेज़न, एरबीएनबी के फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्लोन्स क्रायो के पास 240 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, और इन प्रोग्राम्स की हेल्प से आज हजारों लोगों ने मल्टीपल कंपनीज में जॉब पाई है क्रायो के लर्नर्स का एवरेज पैकेज ही ग्यारह लाख पर एन

ऑन कैंपस प्लेसमेंट था आपको अपने जैसों से कंपीट करना था ईज़ी था जब ये चीज़ आई कि आपको आई के बच्चों से कंपेयर करना है खुद को एन से बच्चे होंगे एंड इन एवरी टर्म्स मतलब आपके ग्रेड्स चार साल में आपके प्रोजेक्ट्स प्रायर इंटर्नशिप्स अब आप किसी uh, टीयर वन वाले की इंटर्नशिप्स और अपनी इंटर्नशिप्स को देखते हो ना बहुत डिफरेंस दिखाई देता है आपने एंजल्स से ढूंढी होती हैं जो मेरा केस था उनके ऑन कैंपस आई होती हैं कंपनीज़ वो गूगल लेकर के जाते हैं उनको वहाँ से लेट्स से डूबी वहाँ से इंटर्नशिप के लिए बच्चे लेकर के जाती है विच इज़ वेरी ट्रू है ना आप चेंज नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम टच करता है आपको कि यू आर नॉट गुड इनफ आप नहीं कर पाओगे सेम चीज क्या हुई डेफिनेटली हुई आ, थोड़ा सा बिगनिंग में लगा नवंबर में कि क्यों भरें क्या भरें करते करते भर दिया बिकॉज देर इज ऑलवेज दिस वन ड्राइव इन यू कि पापा ने जो सिखा दिया था दो दो हाथ करते हैं आगे का नहीं पता मैंने कहा फॉर्म भरने में कुछ भी नहीं होता भर देते हैं ऑनलाइन राउंड हुआ अगेन ऑनलाइन राउंड देने में नहीं जाता रिजेक्ट ही हो जाएंगे अधिक से अधिक हमेशा वो चीज पापा ने बचपन से बोली थी तो आपके हमेशा किसी ना किसी फैमिली में कोई एक वैल्यू ऐसी होती है जो चलती है सभी लोग फॉलो करते हैं तो दिया जा करके उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए हमारे कॉलेज से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गई और सभी कॉलेजेस से आई आई टीज एंड आई टीज आपके पास ट्रिप एल आई टी डेली और सारे वन है ठीक है हो गया पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं था नेक्स्ट राउंड दिया ऑनलाइन राउंड उसमें हो गया कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ लेकिन ऑनलाइन राउंड के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो इंटरव्यूज तुरंत हो जाए एक या दो या तीन हफ्ते में हमारे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुए

ब्लेजर होता था जो हमारा फॉर्मल प्लेसमेंट्स के लिए लिया था छह महीने पहले वो भी एक ही कंपनी में काम आया था तो वो ले लिया था पापा ने एस हाँ, भी, भी क्लियर किया था बट फिर वो मॉर्गन स्टैंडली वॉज टुक तो उसके बाद में जब पापा लेकर के वहां पहुंचते हैं तो कभी अडोबी का ऑफिस नहीं देखा था वन नोएडा के सेक्टर वन में मैंने चार साल पढ़ाई करी है सेक्टर वन में अडोबी है मुझे पता भी नहीं था आई नवर न्यू को पता भी नहीं है कि जब वो वहाँ पे ला रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है मैं तो आई एम थिंकिंग कि पापा हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं कोई मतलब कुछ डॉक्यूमेंट है या प्लेसमेंट का कुछ है बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मोगन स्टैंडी जाने के लिए पापा साइड अब जा दो दो हाथ करके आ मैं क्या आई डिड नॉट इवन रियलाइज अडोबी का ऑफिस आपको काफी दूर से दिखने लगता है इंडिया का उनका इस समय सबसे बड़ा ऑफिस नोएडा में एंड इट्स ब्यूटिफुल पापा क्या चल रहा है <laughs> वो इतनी तैयारी से आए हैं वो और मेरी मम्मी उनके पास मेरा बैग है बाकायदा बॉटल है जो जो आपको चाहिए इंटरव्यू देने के लिए मेरा आई कार्ड है एडमिट कार्ड है ही ही माइट नीड। आई वेंट वहां पे कभी भी पेरेंट्स को अंदर नहीं आने देते इट्स ऑलवेज कि आप कैंडिडेट हैं आप जाएंगे बट पापा इस पापा ही वेटिंग फॉर मी आफ्टर एंड पूरी प्रोसेस जो अडोबी की थी वो एक दिन में समप होने वाली थी वो मेनी कॉलेजेस आई आई टी से लेकर के जम्मू कश्मीर से और हर जगह से बच्चे थे ऑल ओवर इंडिया तो सबसे यहां पे उनका जो अंडरग्राउंड फ्लोर है लेवल है वहां पे उनका एक ऑडिटोरियम था उसी ऑडिटोरियम में होना था एंड सभी एलिमिनेशन राउंड थे आई हैड नो क्लू अबाउट दी प्रोसेस वो दो तीन राउंड के बाद पता चला कि पहले तो इतने दिख रहे थे अब और कम रह गए अब और कम रह गए चल क्या है तो फर्स्ट राउंड हुआ फर्स्ट राउंड के बाद मैं ऊपर आई मैंने कहा पापा बहुत मुश्किल है पापा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ भी होगा और पापा पता नहीं नेक्स्ट राउंड में तो नाम आएगा नहीं आएगा <laughs> मेरे मतलब वो इंसिडेंट याद आता है जो एक बात होती है अब यहाँ डिफरेंस आया कि मॉर्गेन्सैली में टेंशन नहीं थी और यहाँ टेंशन आ गई है कोई बात नहीं अब अंदर जाके सोचते हैं कि अब इतना आ गए तो अब करना ही है फर्स्ट राउंड हुआ शॉर्टलिस्ट हो गए अब वहां पे ऐसा भी नहीं था कि सभी कैंडिडेट्स के लिये तीन राउंड ही होने हैं या चार राउंड ही होने हैं mm -hmm. आपके जितने राउंड होने हैं डिपेंड्स ऑन योर करेंट परफॉर्मेंस और कितना हमें क्लियर करना है आपसे लेने से पहले और कुछ ऐसा नहीं था कि ये डीबीएमएस राउंड होगा या ये सिस्टम डिजाइन राउंड होगा या डी राउंड होगा कोई भी कहीं भी एनीथिंग वुड हैव देयर अब हम दे रहे थे इंटरव्यूज मेरे साथ में जो कॉलेज से लड़कियां थी छह से सात उसमें से भी हम देख रहे हैं लोग धीरे धीरे जाते जा रहे हैं आई स्टिल रिमेंबर जब हम बात करते हैं टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री की कब वो चीज किक करती है बगल में बैठे हो हाथ में आपके रिज्यूम है वो आपका फोल्डर है

Clear भी कर ली है। नास आपके लास्ट के दो राउंड से आई थिंक उस दिन जो पूरे ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग थे बट मैंने जैसा की बताया किसी का किसी टाइम पे तो मुझे अभी भी याद है मेरे साथ में जो मुझे लास्ट राउंड में प्रॉब्लम दी गई थी उसका कुछ किसी सब्जेक्ट से लेना देना नहीं था बहुत बाद में पता चला अच्छा। कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली वो टीम सॉल्व कर रही थी जिस टीम से वो

के पर्सपेक्टिव से सोचो ये हमें पता नहीं चलता बट जो हमने पढ़ाई की होती है ना वो खुद ही बैक पे काम कर रही है वो खुद ही आपको उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे सो दैट्स वेयर इन ही वाज वेरी सरप्राइज कि हाउ डिड यू यू आर वेरी क्लोज टू द रियल सॉल्यूशन ही एंडेड अप सेइंग दैट व्हिच इज द बिगेस्ट क्यू यू कैन गेट I was happy. He's like now write a prod level ready code. पहली बार मैं ये वर्ड सुन रही थी प्रॉड लेवल रेडी कोड क्या होता है मुझे नहीं पता बट आदत थी कि हाँ इंड राइटिंग अच्छी सीधी कॉमेंट करके पूरा लिखना है आप काटा पीटी मत करो उसमें सुंदर कोड होना चाहिए उन्होंने वो शीट आए उन्होंने आई डोट नो वो शीट देखी भी नहीं उनको बस ये देखना था मेरे अंदर उतनी हिम्मत है आपकी सुबह आठ बजे से इंटरव्यू चल रहे हैं शाम साढ़े छः की बात हो रही है क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है मैं अच्छा कोड लिख पाऊंगा वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ कोड आई है कहा चलो ठीक है ओके चलते हैं

रिजल्ट्स आ गए बट एज आई टोल्ड यू क्या उसके रिजल्ट्स आने के बाद मैंने मॉगन में काम करना छोड़ दिया एबसोल्यूटली नहीं बिकॉज समझना था वो एक पुराना खुद का कमिटमेंट था बिजनेस समझना है वहाँ काम किया वहाँ भी पीपीओ मिल गया तो अब ये ऑप्शन था कि क्या करना है सो आई थिंक चीजें अच्छी होती खींचो mm -hmm. तो मैं देख रहा हूँ दे तो yeah. मतलब पिछली वाली बहुत रखी होगी exactly. तो मैं पूछना चाहता हूँ ये चीज आई थिंक आपने मेरे जितने पियर्स थे ना इंक्लूडिंग माई सेल्फ में बहुत हमेशा शौक थी कि यार बच्चों को मैंने देखा है वो दिन रात पढ़ रहे हैं इंटरव्यू से पहले तब नहीं हो पा रहा मैं भगवान really हाँ, okay, जी है उसका चार साल तक कर रहे हो वर्सेज आप उसको कोशिश करो एक दिन में करने की इंटरव्यू से पहले जमीन आसमान का डिफरेंस है यू डोंट है यू नो प्ले विथ योर ओन माइंड आपको करने की उसको ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है इसको एक रात में रट लो वो आप जैसे ही वो प्रेशर आता है ना आप रटोगे एक वर्ड भूलोगे आप वो अलगोरद नहीं लिख पाओगे तो आपको लिखने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको समझने से मतलब होना चाहिए और समझ आप एक दिन में पूरा डीएस है कभी भी नहीं सकते तो जो लोग भी अटैम्प्ट करते हैं आई थिंक ये वीडियोज आपके बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज बहुत जरूरी है समझनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस स्पेशली जो अब लोगों का एम है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस इंटरव्यू की प्रैक्टिस एक दिन में नहीं हो सकती नॉट वन वीक नॉट वन मंथ इट्स अबाउट आप डे वन से जब से भी स्टार्ट करते हैं कितना डीपली कितना अच्छे से उसको समझ के पढ़ रहे हैं तब से पढ़ लो आई थिंक प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी खासियत ही है इट्स वेरी लॉजिकल आपको एक बार समझ में आ गया लॉजिक नहीं नहीं नहीं। और मैंने भी बता दिया हाँ, है हाँ। और वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि आप क्वेश्चन के सोल्यूशन रट रहे हो एक ही लेवल तक जा सकते हो उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको पता करना पड़ेगा की किस तरीके से वो सोल्यूशन काम कर रहा है अच्छे से थिंकिंग उसकी क्लियर होनी चाहिए और वही आपके साथ

मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा शौक भी थे खुश भी थे प्रिया चल क्या रहा है यू हैव टू टेल अस नाउ एंड दैट वाज दी थिंग मतलब मैंने एक दिन नहीं पढ़ाई करी क्योंकि मैंने चार साल पढ़ाई करी है मैंने चार साल उस पर ध्यान दिया है आपको मेरे से लोग पूछते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक सीख लें और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए मैंने कहा छोड़ दो इंजीनियरिंग आप नहीं, नहीं, नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ मैं हर हफ्ते कुछ नया कर रही हूँ अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ एक हफ्ते पहले मैं ग्रफाना कर रही थी

महीने के अंदर एक बार तो वो करना पड़ता है हम <laughs> तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अडोबी की डाइवर्सिटी uh, हायरिंग भी होती है देन आपने कुछ ऐसा बायस uh, वगैरह फेस किया है कभी भी किसी भी तरीके का अगर आपको शेयर करना चाहें तो बायस इज़ डेफिनेटली देयर अगर हम जेंडर बेस्ड की बात करें बिफोर ज्वाइनिंग अडोबी आफ्टर क्लियरिंग अडोबी वाया शिकोड्स आफ्टर ज्वाइनिंग अडोबी वाया शिकोड्स बहुत mm -hmm. लोगों के बहुत बार सवाल है कि यार अडोबी से फीमेल्स को हायर क्यों कर रही है या फिर लड़की थी हो गया ऐसा नहीं होता लड़कियाँ nice. मेरे साथ बहुत सारी थी ठीक है लड़कियाँ मेरे साथ आई आई टी की भी थी एन आई टी की भी थी हर जगह की हर उस कॉलेज की जहाँ दो हज़ार सोलह में मेरा एडमिशन नहीं हुआ है आई एम वेरी प्राउड टू से दैट विच इज़ ट्रू हर कॉलेज का पेपर भरा था आपने हर कॉलेज के लिए आपने एक रैंक yeah. लाई थी नहीं हुए आप शॉर्टलिस्ट समहाउ आपने जो बेस्ट था उस समय देखा सो दिस इज वेयर आई वुड लव टू टेल एवरीबडी जो एडोबी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो किसी भी कंपनी के एस्पिरेंट्स हैं ये बायस जो है ना ये बहुत प्रोमिनेंट है और ये क्या सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में है ऐसा नहीं है आप डेली न्यूज़ेस देखते हैं आप सब जगह आप जो वेरी वेल एजुकेटेड ऑन दिस राइट नाउ आपको पता है ये बायस तो है अभी हटेगा कैसे mm -hmm. क्या हर सेक्शन इसके लिए एक्ट कर रहा है बिल्कुल भी नहीं कर रहा सो so, ये मोस्ट एजुकेटेड मोस्ट आई वुड से लेवरेज सेक्शन है जो ये इंप्लीमेंट कर सकता है कि हम दोनों ही जेंडर्स को या फिर और भी जितने जेंडर्स हैं आई लव दिस फैक्ट अबाउट अ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट वी आर सो जेंडर इग्नोस्टिक हम हर चीज को डाइवर्सिफाइड चीज को इतनी वैल्यू देते हैं इतनी रिस्पेक्ट देते हैं दैट इज वाई वी एज द इंप्लॉय डोंट जस्ट फील लाइक बींग एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी हमें लगता है

ब्यूटीफुल ऑरियंटेशन है मेरी टीम में आउट ऑफ फोर्टीन फिफ्टी के सारे मेल है ऐसा नहीं है डोबी मेल्स नहीं लेती मेरी मैनेजर जो है वो फीमेल है

जाके देखो उन्होंने क्या क्या चीजें फोड़ी हुई है इतने सारे उन्होंने क्वेश्चन किए हुए हैं प्रैक्टिस किए हुए हैं अगर प्रोग्रामिंग की उनकी रैंकिंग आ वो जाके देखो उसके बाद बोलो भाई की कि क्या किया हुआ ठीक है तो जज करने लगाते लोग बहुत पहले ना ऐसे

इंटर्न लग गई आप तो बोलोगे यार लड़कियों का था प्रोग्राम हो गया सब हो गया नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे हार्डवर्क थे बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट हर्डल्स थे जो उस इंसान ने ओवरकम किए होंगे ना उसने बताने जरूरी समझे ना आप प्रैक्टिकली हर किसी को बता सकते हैं हर कोई सोशल मीडिया पे इतना ओपन नहीं है दे वॉन्ट कम एंड टेल यू दैट हे आई अचीव दिस 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 एंड दिस पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू डू दिस मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं हमारे जैसे जो हमारे लिए एवरीथिंग हम बात करना पसंद करते हैं राइट uh -huh. right? तो इट्स ओके टू जज पीपल बट ऑलवेज़ ऑलवेज़ जज देम पॉजिटिवली सीख लो उनसे अगर वो लड़की थे पहुंच गए अरे आप तो लड़के हैं ना दस हजार गुना बेहतर एज यू सेल्फ प्रोक्लेम आप भी पहुंच जाइए उनसे ऊपर पहुंच जाइए ना पहुंच सकते हैं आप लड़की हैं लड़के हैं टीयर वन से हैं टीयर थ्री से हैं इट डजेंट मैटर आप हार्डवर्क करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते और आप लड़की हैं आप you know, है, आप यू नो सबसे हैं बहुत है, आप रिच है आप आप आपका लड़की होना आपको जॉब्स नहीं दिलवाएगा राइट सो यू है तो काफी सारे लोगों की काफी सारी हेल्प हो गई मुझे ये दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज अगर कुछ कुछ की पॉइंट्स अगर यहाँ पर निकालने जाएँ तो यू एस पी वाली बात कि फंस के मत रह जाओ भाई कुछ ना कुछ सीखो और आगे बढ़ जाओ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ uh, उसको मेंशन करो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपने बना के अपने पास मत रखो उन्हें मैंने ये भी देखा हुआ है कि कुछ लोग तो डिज़ाइन uh, वगैरह कर लिया उन्होंने डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं लिंकिन पर डाल दिया क्रेडिट के फाउंडर आके उससे बात करके अच्छा हमारी कंपनी ज्वाइन कर ना तो ये सब चीजें yes. हो रही हैं आजकल लिंक्डइन के ऊपर तो आप विजिबिलिटी में थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज एंड आई होप यहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी काफी सारी हेल्प हुई होगी uh, जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो वो आप पीएस जाके पूछ सकते हैं उनका हैंडल वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी थैंक यू फॉर है